किचन में है संजीव सरकार और ये देखिए सरकार जी। हाय बाबा, व्हाट हैपेंड? क्या बना रहे हो आप? क्या बना रहे हो पापा? क्लिक करो। क्या बना रहे हो आप बताओ? चिकन बना रहा। अच्छा, कौन सा चिकन बना रहे हो आप? स्पेशल नाम? स्पेशल नाम है होस्टल चिकन। होस्टल चिकन? हाँ। अच्छा, इसमें क्या क्या जाता है? नींबू जाता है? सब कुछ जाएगा, देख लेना। अच्छा, होस्टल में ऐसे बनाते थे। और क्या? तो आज मेरा चिकन, अरे चिकन बोले क्या बोलते हैं, किचन का हालत आप देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद देखिएगा और भी हालत खराब हो जाएगा। तुमसे तो अच्छा ही लगता हूँ। अच्छा, खेल रहे हैं। क्यों इसको बुला रहे हो? कुकिंग कर रहे पापा साथ में? दालचीनी, तेज पत्ता और काली मिर्च। ओके, जल्दी से गो एंड ब्रिंग ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स एंड गिव इट टू मी एंड जस्ट रिलैक्स। टुडे यू गोना हैव अ होस्टल लाइक चिकन स्पेशली मेड बाय संदीप सरकार। देखो कितने बारीक से प्याज काटा जाता है, ऐसे करके काटती हूँ। एक ट्रिक्स बताते हैं, जब अगर आप प्याज काटते समय आंखों से पानी ना आए, इसीलिए प्याज का ऐसा ये एक है ना, कान पे रख लो, इसका तेज नहीं लगता है, पानी नहीं आएगा। क्या बोलते हैं, कुकिंग हैक। आप ही डालो तेल, नहीं तो बोलेंगे ज्यादा हो गया कम हो गया। मैं तो पकड़ूंगी भी नहीं। हाँ तेल, और तो मैंने दे दिया मुझे, मैंने जो बोला था। अच्छा नहीं तो रख दो। दालचीनी था यार, इतना बड़ा एक पैकेट था। कोई तुम देखो दालचीनी दे, लौंग लौंग और कर दो ये से। हाँ ओके। अरे दो तेल में डालो। तो कहाँ है कर वो तो मेरा वाला कच्चा ना है। वाह, 1:20 बज रहा है दोपहर का और अभी भाई साहब खाना बना रहे। उससे पहले तो तुम तो किचन में आनी नहीं थी। हाँ भाई साहब, भाई साहब ये देखिए, मैंने कल सब्जी रखी थी, ये कौन कौन जानता है, ये त्रिपुरा में बहुत खाते हैं। बाबा बंद पकड़ना, ठीक है। ये सब रखी हूँ, ये सब थोड़ा खराब भी हो गया देखो। तो आज हम लोग खाएंगे आम के भी भरता, आम का भरता खाएंगे हम लोग आज। दो आम रखे हैं। गाइस कैसे हो आप सब लोग? आए हो कि आप सब लोग अच्छे होंगे? मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिन हो गए ब्लॉग्स नहीं बनाई, तो आज सोची ब्लॉग्स बना लेती हूँ। और अब आज है सैटरडे, बाबा आ जाओ। आज है सैटरडे तो हस्बैंड बना रहे खाना। तो बहुत दिन हो गए मैं व्लॉग्स नहीं बना रही हूँ, तो सोचा आज व्लॉग बना लूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल बटन है वो भी क्लिक कर दीजिएगा। तो व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। अभी मतलब 1:25 हो गया, सो
चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स खाना वाना बन गया है और खाना भी हो चुका है दोपहर का। सो अभी शिवांश को थोड़ी देर के लिए सुलाऊंगी और उसके बाद आपके साथ बात करती हूँ। अभी बज रहा है 4 बज गया यार, 4 बज गया, बहुत टाइम हो गया। सो चलिए अभी मैंगो को कर रहे हैं हैंड वॉश से, क्लीनिंग चल रहा है इधर। ऐसे करना पड़ता है क्या? प्रिकॉशन दे रहा है, प्रिकॉशन। तो आपको मैं दिखाऊंगी आज आम भरता कैसे बनाते हैं चाकू से। और इसको क्या बोलते हैं, हाँ चाकू से नहीं हो रहा है तो मैं लेकर आई हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं बोटी दाव, बोलते हैं बोटी दाव। और ये मेरे मम्मी ने खरीद के दिए थे, मम्मी 50 रुपए। छील के धो के दे दिया है, अभी है इनका काम कद्दूकस करना, जो अभी कर रहे हैं कद्दूकस। फूल लगाई है और इस पे आया है फूल। तुलसी का पौधा और है ये दूर्वा, और कुछ ये डंडल लेकर आए हैं। ये है कि बहुत सारा ये वाला जो फूल है ना खिला हुआ है। फिर डाल दिया है पानी। के भरते में जो चीज सबसे ज्यादा स्पेशल है वो है ये सूखी मिर्च, ये डालना बहुत जरूरी होता है। पहला जो इंग्रेडिएंट जाएगा इस पे वो है गुड़, तो नहीं देंगे चीनी, नहीं देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये जो सूखी मिर्च है वो तो आप इस पे ना ये जो दूध का जो ऊपर का की, हाँ मलाई होता है वो आप डाल सकते हो, इसपे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, इसपे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मेरा जो थोड़ा सा ही दूध का मलाई जमा है ये देखिए। और आप आपके घर में अगर अमूल का पाउडर दूध होगा तो वो डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं इस पे डालूंगी थोड़ा सा मिल्क मेड, जो कि मैं कभी नहीं दी इसे पहले, ये पहली टाइम दे रही हूँ, देखती हूँ थोड़ा सा देखकर कैसा बनता है। आप प्लीज इस पे अमूल का ही पाउडर दीजिएगा अगर पाउडर हो तो। और उसके बाद अंदाज से आप नमक डाल दीजिएगा। ये देखिए हम लोगों का भरता बनाने वाला को भी देख लीजिए एक बार। रेडी है हम लोगों का आम भरता। अभी बज रहे शाम के 6:30। वैसे आम भरता जो है, भरता जैसे ये सब खट्टा वट्टा चीज दोपहर में खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो चलिए हम लोग इंजॉय करते हैं और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।